गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या सुबह 7 बजे हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ने जल्दी जल्दी यहाँ पे टिफ़िन बना रही हूँ। तो वीकेंड का मैं सोच रही थी कि बनाऊँ वीडियो बहुत दिन से, बट नहीं हो पा रहा था। आज मेरे नहीं, आज जो भी हो मैं आज बना कर ही रहूँगी वीडियो। तो देखिए यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन मैं बना चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे पालक आलू की सब्ज़ी, रोटी मैं हम लोग ने बनाया है। तो टिफ़िन पैक्ड हो गई है यहाँ पे। तो पहले आगे हम लोग सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, पीहू को उठा के क्लास के लिए बैठा देते हैं, फिर यहाँ पे टिफ़िन बनती है, टिफ़िन बना कर ही फिर आगे का काम करते हैं, क्योंकि आगे इन लोग चले जाए तब फिर हम लोग। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर दूँ। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड के टिफ़िन में मैंने भुजिया पैक की है। इन लोग की सब के हैबिट है कि एक भुजिया नहीं तो चना चूर इन लोग के टिफ़िन में रहना ही चाहिए। तो एक गीला और एक ड्राई चीज़ रहना चाहिए इन लोग का। तो सब्ज़ी, भुजिया, चना चूर नहीं तो रोटी इन लोग को लेके जाना ही रहता है। तो यहाँ पे चाय भी चढ़ गई है और मिंकू छोटे मोटे जो कपड़ा सूख चुकी है, आज बहुत दिन बाद धूप निकली थी तो मिंकू सब कपड़ा तय कर रही है और जो भी गीले कपड़े बाहर डाल दिया है उसने। और मैं यहाँ पर हस्बैंड की शर्ट आयरन कर रही हूँ, आयरन करके। तो मिंकू खिड़की से झांक के देख रही है बाहर में पानी जमी है कि नहीं जमी हुई। बहुत पानी जमी हुई थी क्योंकि रात भर बारिश हुई थी। तो यहाँ पे पीहू दूध ले रही थी। पीहू को बच्चों लोग से थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए क्योंकि बहुत हैबिट बच्चों लोग की बनी रहती है और बच्चों लोग को ये सब काम करने में मन भी लगता है, आप भी जानते होंगे। तो ये नई मास्क है, मिंकू का मन ख़राब हो रहा है क्योंकि मिंकू को चाहिए वो मास्क। मेरे हस्बैंड से बोल रही है कि मुझे दे दीजिए वो मास्क। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं मैं लाया हूँ, मैं नहीं दूँगा। तो देखिए ये बड़ी भी है हम लोग के चेहरे पे। तो ये यहाँ पे मैं हम लोग चाय पी रहे, थोड़ी बहुत गपशप भी हो जाएगी। तो यहाँ पे चाय पीना हो गया, मिंकू चाय के बर्तन धो ली है। अब यहाँ पर मैं स्टेरिलाइज करने के लिए बाबू का बॉटल धोंगी, सिपर बॉटल्स दोनों बहनों के धोंगी। तो जल्दी से देखिए, वो रात में दूध पीती है तो वो वैसे बॉटल रखा रहता है, तो जल्दी से अभी सुबह में ही स्टेरिलाइज के लिए चढ़ा देती हूँ उसे। अच्छे से आगे मैं साबुन से धोती हूँ, फिर इसको 5 मिनट तक पानी में बॉईल करती हूँ, क्योंकि उसके छोटी को है ना क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है। बच्ची है, बॉटल यहाँ फेंक देगी, वहाँ फेंक देगी, वही बॉटल से फिर पीने लगती है, कितना नोटिस करूँगी वो, क्योंकि चलने वाली लड़की है तो यहाँ वहाँ चलते रहती है। मैं किचन में रहती हूँ, सबको यहाँ वहाँ काम में लगे पड़े रहते, हरजन एवरी टाइम उसके ऊपर नोटिस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिपर बॉटल्स में पानी भर दे रही हूँ, भर के उन लोग का रख दूँगी। तो दोनों बहन का फिर हो जाता है काम ख़त्म यहाँ पे। परी तो अभी नहीं उठेगी, उसका 10:30-11 बजे का टाइमिंग रहता है उठने का। पीहू उठ के क्लासेस करने लगती है, तो उसका वाटर पानी बॉईल करके, मैं परी का पानी बॉईल करके एक बॉटल में रख देती हूँ अलग से सेपरेट। पीहू तो नॉर्मल फ़िल्टर का पानी पी लेती है बट वो नहीं पीती है, उसका फ़िल्टर का पानी उसका बॉईल करके मैं रख देती हूँ एक जगह। तो यहाँ पे स्टेरिलाइज़ के लिए मैंने चढ़ा दिया है पानी को, सॉरी बॉटल को, और दूध भी मैंने चढ़ा दिया है बॉईल के लिए। तो रात की खाली बॉटल्स भी फिल कर दिया है, फ्रिज में डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे जल्दी से मैं पोछा लगा लेती हूँ, पोछा वगैरह, झाड़ू पोछा जो भी है काम कर लेती हूँ फटाफट। मिंकू नहाने चली गई है, उस रूम में तो जाने में मुझे डर लगता है क्योंकि वो सोई रहती है, थोड़ा सा भी खटर पिटर हुआ तो वो उठ के बैठ जाती है। तो उसके सोते ही सोते हम लोग सोचते कि जो भी है काम वो कर लूँ, नहीं तो गोदी में ही एक जन को देखना ही पड़ जाता है, उसको गोदी में ही रहना पड़ता है। और फ्लैट के कंडीशन तो जानते ही है दोस्तों कि बाहर निकलना कुछ नहीं होता है, किसी से मिलना जुलना उतना होता नहीं है, रेयरली नेबर्स से मिलते हैं, नहीं तो उन लोग आते हैं हम लोग के घर में, बहुत रेयर होता है ये सब चीज़। तो बच्चे भी बहुत फेडअप हो जाते हैं ये सब चीज़ से। तो यहाँ पे पोछा लग गई है मेरी, बेसिन वगैरह भी साफ हो कर लिया मैंने। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम देवर के लिए चाय चढ़ा देंगे, वो ब्रश कर रहे हैं तो अभी वो फ्रेश होकर अभी चाय चढ़ाएंगे अब उनके लिए। उन लोग लिकर चाय पीते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो मिंकू यहाँ पे नहा कर आ गई है, मिंकू अभी फ्रेश होकर अपना श्रृंगार करके अपना फिर भगवान जी का पूजा वगैरह करेगी।
तो यहाँ पे देवर जी भी मेरे फ्रेश हो गए हैं। अब उनके लिए मैंने चाय चढ़ा दिया है किचन में। अब माँ भी देखिए, दो तीन दिन से जैसे कि मैंने बोला था कि बारिश हो रही है, यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत होते हैं। हम लोग का तो बैरंडा है नहीं, तो कपड़े सूखने के लिए बहुत दिक्कत होते हैं। तो अभी आज बहुत दिन बाद धूप निकली है, तो माँ कपड़े अलट पलट के सुखा रही है कि जैसे वैसे सूख जाए कपड़े। तो यहाँ पे मिंकू की पूजा चालू हो गई, मिंकू पूजा कर रही है। तो मैंने वहाँ पे मैं भी किचन में काम कर रही हूँ कि जो भी है थोड़ा बहुत लंच का भी काम मैं सल्टा लेती हूँ जल्दी जल्दी। ऐसे ही मिल के हम लोग काम करते हैं कि फिर तभी तो जाके जल्दी काम ख़त्म होता है अभी हम लोग का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग ने सुबह से ही व्लॉगिंग चालू कर दिया है। तो अभी बज रहे हैं 1, तो अभी मिंकू आज जल्दी नहा ली थी, तो मिंकू ने आज सारा पूजा पाठ कर लिया। अभी मैं भी नहा कर आई हूँ, बच्चों लोग को नहलाया, फिर अभी मैं नहाई हूँ। तो अभी नहा के अभी मैंने हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वो खा रही है बगल में बैठ के। और परी यहाँ पे क्या चीज़ से खेल रही है दिखाते हैं। किस क्या चीज़ से खेल रही हो तुम? बफ। हाय बोलो, हाय बोलो। तो गाइस आज लंच में बन रहा है क्या? तो यहाँ पे पिछले वीडियो में आप लोग ने जैसे देखा था फ्रेंड्स, आरोही बहुत ज़िद कर रही थी फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिया था, बड़े आलू लिया, तो उसे मैं पील कर ली हूँ। पील करने के बाद इसे मैं कट कर लूँगी एकदम परफेक्ट। तो मैं जो कट नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं कट ऐसे भी स्लाइसिस में कर ले रही हूँ, थोड़े से मोटे स्लाइसेस में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर रही हूँ इसे। ये 2 आलू छिला था, 1 आलू सड़ा हुआ निकल गया, तो फिर मैं दूसरे आलू को पील करके मैं उसे फिर से मैं काट लेती हूँ, काट लूँगी अच्छे से। आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप वैसे बनाइएगा। आप देखिए इस तरीके से काट लीजिए आप लंबे लंबे स्लाइसेस में, बट थोड़े से मोटे रखिएगा उसे। तो उसे अच्छे से वॉश कर लेना है उसे। बच्चे लोग को तो ये सब चीज़ खाने बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने हल्की से बॉईल में चढ़ाया है, 5 मिनट के लिए सिर्फ बॉईल करना है ऐसे कि हल्का सा नरम हो जाए आलू, क्योंकि फ्राई करने में फिर वो ज़्यादा ही ब्राउन हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है उस वक्त खाने में। तो आप बॉईल करके उसे फ्राई करोगे तो उसकी कलर मेंटेन रहती है, अच्छी लगती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए नमक डाल के आप इसको बॉईल कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रेन कर दिया है, एक्स्ट्रा वाटर जो है मैंने स्ट्रेन कर दिया है इसे, और इसे ठंडे पानी से मैं धो लूँगी और इसे पूरे अच्छे से इसे ठंडा कर लूँगी। इसे पूरा जितना भी है पूरा एकदम अच्छे से, जैसे ठंडा होती है ना, तो वैसे ही मैं कर लेती हूँ इसे ठंडा। तो इसे मैंने छोड़ दूँगी अभी 10-15 मिनट के लिए, मैं इसे साइड में रख दूँगी जब तक मैं तो पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, तो आलू के अकॉर्डिंग आप कॉर्नफ्लावर लीजिए। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, कॉर्नफ्लावर नहीं तो आरा रूट लीजिए। मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है यहाँ पे 3 टेबलस्पून। और यहाँ पे देखिए नमक ऐड कर रही हूँ मैं स्वाद अनुसार। आलू में भी मैंने नमक डाला था बॉईल के वक्त, तो ध्यान से नमक डालिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है और यहाँ पे ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून। बच्चों लोग को खाना है तो थोड़ी सी पिंच भर डाले 1 पिंच। तो अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, एकदम थोड़ा सा थिक पेस्ट ही रखें, वाटरी नहीं बनाएं उसे, थोड़ा सा थिक पेस्ट बना के थोड़ा थोड़ा ऐसा पानी डाल के बनाएं, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से इसके अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। कॉर्नफ्लावर को घोलने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, देखिए वो जैसे जैसे आप घोलोगे उसको थोड़ी सी थिक होते जाती है, तो इसे अच्छे से घोल ले। तो देखिए यहाँ पे कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने देखिए आलू को टॉवल पे रैप करके रख दिया था,
क्लीन टॉवल पे से रैप करके रख दीजिए, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है आलू का वो टॉवल सोक कर लेती है पूरा, तो पानी रहना नहीं चाहिए आलू में। तो यहाँ पे थोड़ी से भी पानी नहीं है, पूरी ड्राई हो गई है। अब यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राई को फ्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बैटर बनाया उसे मैं आलू उसमें आलू को डिप कर दूँगी और उसे एक एक करके तेल में डालूँगी, फ्राई करूँगी। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने तेल में डाला था, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है, तो वो एक दूसरे से चिपक जाएगी फ्रेंड्स, वो डरिएगा मत। वो आप बाहर निकालने के बाद उसे अलग कर लीजिएगा, हाथ से अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल दिया। अब दूसरी बार भी उसी तरीके से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। सारे फ्रेंच फ्राइज को एक बार अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लिया। अब फिर से तेल को हाई हीट पर गर्म करूँगी और फिर से डबल फ्राई करूँगी कि अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही आपको फ्राई करना है कि वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से फ्राई करेंगे। तो देखिए वो तेल में डालते ही साथ ही कलर चेंज कर देता है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है खाने में। तो इसकी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बनती है। और बच्चे लोग को इस तरीके से आप बना के दीजिए, इससे क्या होगा ना कि तेल भी ऑब्ज़ॉर्ब ज़्यादा नहीं करती है, कोटिंग में रहता है तो तेल ज़्यादा ऑब्ज़ॉर्ब नहीं करती है आलू, तो बहुत अच्छी भी लगती है। तो मेरे घर में तो बड़ों लोग को भी ये वाली चीज़, ये वाली फ्रेंच फ्राई बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी अपने बच्चे लोग को बना के एक बार खिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपके बच्चों को। तो देखिए ये कितनी अच्छी बनी है यहाँ पर। चल रही होगी कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप भी अपने घरों में ट्राई करिए, अपने फैमिली के साथ टी टाइम एंजॉय करिए, बहुत अच्छी लगती है, बिलीव मी।